नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज की चर्चा हर जगह होने लगी है। पहले जिन दो उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी उन्हें बदलने का फैसला लेकर पीके ने सबको चौंका दिया है। ये कहावत याद आ रही है कि जिन्हें कुछ नहीं पता वो भी तय कर रहे हैं रास्ता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सच में एक सोच समझकर किया गया फैसला है या फिर गलती का नतीजा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीके जो बिहार की राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं इस बार उन्होंने बड़ी चूक कर दी है। जब एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जिसका नाम खुद मतदाता सूची में नहीं है तो सवाल उठता है कि क्या ये समझदारी है। विपक्ष और विशेषज्ञ चुटकुले बनाने में लगे हैं, जैसे कि क्या प्रशांत किशोर का हाल भी प्लूरल पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी यानी कि पीपी वाला ना हो जाए। जैसे कि कहते हैं चमकने का मौका सबको नहीं मिलता लेकिन रोशनी में टिक पाना बेहद जरूरी होता है। प्रशांत किशोर ने पहले प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया, फिर अचानक मोहम्मद अजमत को चुन लिया। ये तो वही बात हो गई कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम के बदले मुस्लिम का कार्ड पीके खेलना चाह रहे हैं। जब पत्रकारों ने प्रत्याशियों के बदलाव पर पीके से सवाल किया तो पीके ने जवाब भी ऐसा दिया जो अटपटा लगा। पीके ने कहा कि परिणाम बताएगा कि ये मेरी रणनीति का हिस्सा था या नहीं, मगर देखा जाए तो ये तो खुद जाने कि वो क्या सच में ठोस योजना बना रहे हैं या बाहर से हंसना और भीतर से रोने जैसी स्थिति उनके लिए बन गई है। इन चुनावों के नतीजे पीके के राजनीतिक भविष्य का फैसला कर सकते हैं। क्या वो खुद पुष्पम प्रिया की तरह गायब हो जाएंगे या कुछ नया करके दिखाएंगे, यही तो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अब देखना है कि ये खेल आगे कैसे बढ़ता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तो ही देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।